आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में और मैं हूं आनंद कुमार। आज के इस वीडियो में हम पिछले सप्ताह का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर एनालिसिस करेंगे। लास्ट टाइम हमने 28 जुलाई तक छत्तीसगढ़ के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सब का एनालिसिस कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम 29 जुलाई से लेकर आज तक यानी कि 7 अगस्त तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सब का यहाँ एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा पिछले वीडियो में हमने जितने भी टॉपिक्स एनालिसिस किए थे उसका क्वेश्चन भी यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आज का ये सेशन करंट अफेयर का छत्तीसगढ़ का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ हम जितने भी टॉपिक्स एनालिसिस करते हैं आपको पता है कि वो सारे टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए सबसे पहले पिछले वीडियो में हमने जितने टॉपिक्स एनालिसिस किया था उसका एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पिछला वीडियो देख लें, उसके बाद इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। चलिए तो सबसे पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ में कितने संसदीय सचिवों की नियुक्ति की गई है? ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से रहा, 10, 12, 14 या फिर 15। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीपीसी लारा यूनिट छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने जांजगीर चांपा, रायगढ़, बिलासपुर या फिर कोरबा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा कला विश्वविद्यालय खैरागढ़ का कुलपति किन्हें अपॉइंट किया गया है हाल ही में? तो बताइए, ममता चंद्राकर, पुष्पराज साहू, जाकिर हुसैन या फिर तीजन बाई। इन तीनों क्वेश्चंस का जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में करना है, तो आप तीनों क्वेश्चन का जवाब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आज के अपने इस एनालिसिस की तरफ जिसमें हम 29 जुलाई से लेकर आज तक यानी कि 7 अगस्त तक छत्तीसगढ़ के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन सब का एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है छत्तीसगढ़ का एक एरिया जिसका नाम है तुरतुरिया, उसे इको टूरिज़्म के रूप में डेवलप किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि पिछले साल सितंबर के महीने में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अनाउंस किया गया था कि छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ का निर्माण किया जाएगा ताकि पर्यटकों को आकर्षित किया जाए। इसके तहत अलग अलग सोर्सेस के आधार पर छत्तीसगढ़ सरकार ने यह पाया कि छत्तीसगढ़ में 75 ऐसे स्थान हैं यानी कि 75 ऐसे प्लेसेस हैं जहां भगवान श्री राम अपने वनवास के दौरान छत्तीसगढ़ में इन 75 स्थानों से होकर गुजरे, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा फैसला लिया गया कि पहले चरण में हम 9 स्थानों को डेवलप करेंगे और उसे एक इको टूरिज़्म प्लेस के रूप में डेवलप किया जाएगा ताकि छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। तो शुरुआती दौर में ये 9 स्थान कौन से थे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर अभी जो हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अनाउंस किया गया है कि इको टूरिज़्म स्पॉट के रूप में डेवलप किया जाएगा तुरतुरिया, तो इस तुरतुरिया के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। वन डे एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है और मुख्य परीक्षा के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बलौदाबाजार जिले में स्थित है यह तुरतुरिया क्षेत्र जहां पर वाल्मीकि जी का आश्रम भी माना जाता है, और इसके अलावा अगर आप ये पाओगे तो ये आपका बारनवापारा जो सेंचुरी है उससे भी लगा हुआ है यानी कि उसी का आप एक हिस्सा कह सकते हो। और यहाँ तुरतुरिया में 1000 साल पुराना एक शिव जी का मंदिर भी है, उसको भी पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। और ऐसी भी मान्यता है कि इस तुरतुरिया क्षेत्र में लव कुश जी का जन्म हुआ था, तो ऐसी भी यहाँ पर मान्यता है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर जिस 9 जगह की मैं बात कर रहा था जहाँ राम वन गमन पर्यटन परिपथ का निर्माण छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया जाएगा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, वो 9 जगह मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ, और ये मुख्य परीक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वन डे एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट फेस में ये जो 9 प्लेसेस का चयन किया गया है इसका नाम आप जरूर याद रखिएगा। ये 9 प्लेसेस कौन से हैं? सीतामढ़ी हरचौका जो कि कोरिया में स्थित है, रामगढ़ आपका सरगुजा जिले में स्थित है, सिवरी नारायण जो कि जांजगीर जिले में स्थित है, तुरतुरिया जो कि आपका बलौदाबाजार जिसका अभी हम एनालिसिस कर रहे थे, चंदखुरी जो कि आपका रायपुर में स्थित है, राजिम जो कि आपका गरियाबंद में स्थित है, सिहावा जो कि आपका धमतरी जिले में स्थित है, यहाँ सप्तऋषि जी का आश्रम हुआ करता था, जगदलपुर, बस्तर, रामाराम, सुकमा, ये 9 प्लेसेस स्थित हैं जिसका राम वन गमन पर्यटन परिपथ के तहत में इनको डेवलप किया जाना है और अनुमानित बजट इसका है 137.45 करोड़ रुपीज़। इसके अलावा यहाँ पर एक एडिशनल पॉइंट और याद रखिएगा
केंद्र सरकार की एक योजना है स्वदेश दर्शन योजना। स्वदेश दर्शन योजना के बारे में भी हमने कई बार एनालिसिस किया है। स्वदेश दर्शन स्कीम की शुरुआत हुई थी 2015 के बजट भाषण में, और स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत हमारे देश में जितने भी टूरिज्म प्लेसेस हैं उनको सर्किट आधार पर डेवलप किया जाएगा। जैसे छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पर्यटन परिपथ बनाया गया, वैसे ही स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत में बौद्ध परिपथ का निर्माण किया गया, रामायण परिपथ का निर्माण किया जा रहा है, इसके अलावा आदिवासी परिपथ का निर्माण किया जा रहा है। तो इस तरह से सारे पर्यटन क्षेत्रों को सर्किट थीम बेसिस पे यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है, जिसमें स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत रामायण परिपथ के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले को भी शामिल किया गया है। तो स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत रामायण परिपथ के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का एकमात्र जिला शामिल है, वो जिला है जगदलपुर। इसका भी नाम आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर रामायण परिपथ से संबंधित छत्तीसगढ़ में एक और वैल्यू एडिशन आप लोग कर लीजिएगा, चंदखुरी जो कि रायपुर में स्थित है, यहाँ कौशल्या माता का मंदिर है और भगवान राम का यहाँ ननिहाल भी माना जाता है। अभी अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा किया है कि इस चंदखुरी में एक भव्य मंदिर का निर्माण भी किया जाएगा, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पर्यटन परिपथ का जो स्टार्टिंग हुआ था सितंबर 2019 में, वो भी चंदखुरी रायपुर से ही हुआ था। जितनी भी बातें यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताई वो सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो इन सब को बहुत ध्यान से नोट आप करिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना, यानी कि 2020 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक और योजना शुरू किया गया है। उस योजना का नाम है शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। याद रखिएगा, मस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है पेपर नंबर 7 के लिए भी और वन डे एग्ज़ाम के लिए भी। तो 5 अगस्त 2020 को इस स्कीम की शुरुआत की गई है। डेट याद रखिएगा कि कब शुरू किया गया है, तो 5 अगस्त। 5 अगस्त को क्या खास है, तो 5 अगस्त को बस्तर टाइगर के नाम से मशहूर महेंद्र कर्मा जी की 70वीं जयंती थी, और इन्हीं की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए एक नई बीमा योजना की शुरुआत की गई। और इस बीमा योजना का नाम क्या है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। इस योजना के तहत राज्य के लगभग 12,50,000 जो तेंदुपत्ता संग्राहक हैं उनको यहां पर लाभ मिलने वाला है। और इस योजना का जो क्रियान्वयन है वन विभाग करेगा, और इसके अलावा लघु वनोपज सहकारी संघ भी करेगा। और शुरुआती दौर में इसके लिए 16 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है इस स्कीम के तहत। अब जैसा कि मैंने बोला कि यह एक बीमा योजना होगा तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए, तो इस बीमा योजना के तहत में किस प्रकार से प्रावधान किए गए हैं इस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इसमें 2,00,000 रुपये तक का बीमा किया जा सकता है। अब कैसे, अगर मान लीजिए तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार का मुखिया जो कि 50 वर्ष से कम उम्र में उसकी मृत्यु हो गई, तब उस परिवार को 2,00,000 रुपये मिलेगा। लेकिन अगर मृत्यु जो है 50 वर्ष से लेकर 59 वर्ष की आयु के बीच में होता है और सामान्य मृत्यु होता है, तो उसको दिया जाएगा 30,000 रुपये। दुर्घटना में मृत्यु होने पर 75,000 रुपये दिया जाएगा। दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता की स्थिति पर भी 75,000 रुपये दिया जाएगा। आंशिक विकलांगता की स्थिति में भी 37,500 रुपये तक का दिया जाएगा। तो इस बीमा में जो दो तरह के कंडीशन है उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। अगर 50 वर्ष से कम उम्र में मृत्यु हो जाती है तो पूरा 2,00,000 रुपये मिलेगा, और अगर 50 वर्ष के उम्र के बाद या फिर 50 और 59 के बीच में अगर मृत्यु होती है तो सारे जो प्रोविजन हैं वो इस प्रकार से हैं। तो इस स्कीम के तहत में याद रखिएगा ये एक बीमा योजना है, शुरुआत कब हुआ, किन के नाम पर किया गया और इसके प्रावधान किस प्रकार से हैं, इन सारी बातों को आप बहुत अच्छे से नोट करिएगा। प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE के एक रिपोर्ट के अनुसार इसमें दावा किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में
जून के महीने में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 14.4 से घटकर जुलाई के महीने में 9% पर आ चुका है। छत्तीसगढ़ सरकार यहां पर दावा कर रही है कि अदर स्टेट के कंपैरिजन में हमारी स्थिति बहुत बेहतर है। जैसे यहां पर छत्तीसगढ़ सरकार ने एग्जांपल दिया है कि दिल्ली में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जून के महीने में वो 18.2% था और जुलाई के महीने में ये बढ़कर 20.3% हो गया। इसके अलावा राजस्थान में जून महीने में 13.7% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था जो बढ़कर जुलाई में 15.2% हो गया। इसके अलावा और भी स्टेट के यहाँ पर एग्जांपल छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिया जाता है। अब यहाँ पर समझिए कि CMIE की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम कैसे हुआ है। तो एक बात यहाँ पर समझिए कि छत्तीसगढ़ में जो 75% से अधिक आबादी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और अधिकतर लोग जो हैं वो कृषि पर निर्भर हैं। तो मनरेगा के तहत सबसे पहला पॉइंट, छत्तीसगढ़ में बहुत बेहतर काम किया गया, ज़्यादा रोजगार उत्पन्न किया गया। आगे हम एक टॉपिक मनरेगा से भी रिलेटेड एनालिसिस करने वाले हैं तो वहाँ पर समझ आ जाएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के कुछ स्कीम हैं जैसे छत्तीसगढ़ न्याय स्कीम जिसे हाल ही में शुरू किया गया है। तो इस स्कीम के तहत जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो किसान हैं, उनके पास में अच्छा खासा पैसा पहुँचा है और अच्छा खासा पैसा पहुँचने से वो किसान जो हैं अच्छा खर्च कर रहे हैं। यानी कि छत्तीसगढ़ की जो मैक्सिमम रूरल पॉपुलेशन है उनके पास में पैसा है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो खर्च करने में सक्षम है। और जब खर्च करने में सक्षम है तो मार्केट में डिमांड ज़्यादा होता है और डिमांड ज़्यादा होने से सप्लाई में बढ़ोतरी होती है। तो ये सारे कुछ कुछ कारण छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिया जाता है जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट 14.4% से घटकर 9% पर आ गया है। ये कुछ फैक्ट्स हैं और कुछ डेटा है जिसका इस्तेमाल आप मुख्य परीक्षा में बिल्कुल कर सकते हो, पेपर नंबर 5 में छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बस कुछ डेटा को आपको ध्यान वहाँ पर रखना है और कोई खास बात वहाँ पर नहीं है। चलिए, इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है, छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में स्थित है दीर्घायु वार्ड। आखिर ये दीर्घायु वार्ड है क्या, इसके बारे में जानते हैं। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मार्च महीने में दीर्घायु वार्ड देश के विभिन्न जिलों में खोला गया कैंसर के उपचार के लिए। और इस दीर्घायु वार्ड में डी केयर केमोथेरेपी की मदद से कैंसर का इलाज किया जाता है और इसी के तहत छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में दीर्घायु वार्ड स्थित है। अभी वर्तमान समय में ये 9 जिले इस प्रकार से हैं, जगदलपुर है, जसपुर है, रायपुर है, सूरजपुर है, नारायणपुर है, दुर्ग है, कांकेर है, कोंडागांव है और कोरिया है, जहां 80 से अधिक मरीजों का इलाज किया जा रहा है डे केयर कीमोथेरेपी के मदद से कैंसर का इलाज किया जा रहा है। तो आपको वन डे एग्ज़ाम के लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पर याद रखने हैं, जैसे दीर्घायु वार्ड कितने जिलों में स्थित हैं, छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में स्थित हैं, 9 जिलों का नाम अगर आप याद रख सकते हो तो बिल्कुल रखिएगा, कौन सी बीमारी का इलाज यहाँ पर किया जा रहा है, डे केयर कीमोथेरेपी की मदद से कैंसर का इलाज किया जा रहा है, इतनी बातों को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा यहाँ पर छत्तीसगढ़ में मनरेगा में अगर महिलाओं की भूमिका हम देखें तो काफ़ी बेहतर है और पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल बेहतर है। और अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो 50% से ज़्यादा जो भूमिका है मनरेगा में, जो रोज़गार उत्पन्न हो रहा है छत्तीसगढ़ में, वो महिलाओं की भूमिका है। तो किस प्रकार से है ये डेटा आप लोग बहुत अच्छे से नोट करिएगा। अगर छत्तीसगढ़ में कहीं भी वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है या छत्तीसगढ़ में महिलाओं से संबंधित कहीं प्रश्न पूछे जाते हैं तो वहां आप बहुत अच्छे से वैल्यू एडिशन कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं, जैसे मैंने बताया कि मनरेगा के तहत छत्तीसगढ़ में जो भी रोजगार उत्पन्न किए जा रहे हैं जिसमें महिलाओं की भागीदारी जो है वो आधे से भी अधिक है। अभी फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के शुरुआती 4 महीनों की बात करें तो इसमें लगभग 48,000 से अधिक लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार दिया जा चुका है, जिसमें 24,28,234 महिलाओं को काम दिया गया है। इसके अलावा अगर आप प्रदेश में कुल सृजित मनरेगा के तहत में रोजगार देखोगे, दिन वाइज में अगर इसे काउंट करोगे तो टोटल 9,87,000 मानव दिवस जो है वो रोजगार उत्पन्न किया जा चुका है, जिसमें अगर हम महिलाओं की हिस्सेदारी की बात करें तो इसमें 4,65,85,000 दिवस महिलाओं को रोजगार दिया गया है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, रोजगार दिवस में टोटल कितना है, 9,17,87,000 के आसपास, जिसमें महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है, 4,65,85,000 के आसपास में। तो महिलाओं की हिस्सेदारी की हम बात करें और अगर टोटल इस 4 महीने में देख लें, इस फाइनेंशियल ईयर 4 महीने में, तो महिलाओं की टोटल भागीदारी यहां पर बन जाता है 50.75%। पिछले वर्ष से अगर आप यहां पर कंपेयर करोगे
या फिर पिछले 3-4 सालों से अगर आप कंपेयर करोगे तो 2016 और 17 में मनरेगा के तहत में जो महिलाओं की भागीदारी थी वो 49.31% था। इसके अलावा 2017 और 18 में 49.71%, 2018 और 19 में 50.05% और 2019 और 20 में 50.7% और इस फाइनेंशियल ईयर में अब तक, हालांकि ये फाइनेंशियल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन अब तक 50.75% महिलाओं की हिस्सेदारी रही है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल वैल्यू एडिशन आप बहुत अच्छे से कर सकते हो मुख्य परीक्षा में, जहां महिलाओं की हिस्सेदारी की बात आए या फिर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका पर प्रश्न पूछा जाता है, वहां भी आप वैल्यू एडिशन के तौर पर इन डेटा का इस्तेमाल कर सकते हो। आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज भी महिलाओं की भूमिका देख सकते हो। मनरेगा के तहत दुर्ग जो है सबसे पहले नंबर पे आ जाता है, यहाँ 64% आ जाता है, उसके बाद बालोद जो है दूसरे नंबर पे आ जाता है, राजनांदगांव तीसरे नंबर पे। तो इस तरह से आप जिले वार भी यहाँ पर डिवाइड करके वैल्यू एडिशन बिल्कुल कर सकते हो। ठीक, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट का टॉपिक है वो छत्तीसगढ़ हज हाउस से संबंधित है। छत्तीसगढ़ में हज यात्रियों से संबंधित एक हज हाउस का निर्माण किया गया है, जहां पर हज यात्रियों को बहुत सारी सुविधाएं दिया जा सके, इस उद्देश्य के साथ में। सबसे पहला पॉइंट तो ये याद रखिएगा कि इसका निर्माण कहां किया गया है, तो मंदिर हसौद एयरपोर्ट रोड के पास में नवा रायपुर अटल नगर यानी कि रायपुर में किया गया है। अगर वन डे एग्ज़ाम में आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो यही पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ हज हाउस का निर्माण कौन से ज़िले में किया गया है या किस स्थान पर किया गया है, तो ये याद रखिएगा मंदिर हसौद रोड एयरपोर्ट के पास नवा रायपुर अटल नगर में ही किया गया है। और थोड़ी सी बात यहाँ पर याद रखिएगा कि इस हज हाउस की जो लागत है वो 26 करोड़ रुपए है और ये लगभग 3 एकड़ भूमि में बनाया जाएगा, 5 फ्लोर का बनाया जाएगा। लेकिन ये सब सारी बातें मत याद रखिएगा, बस कुछ 2-3 लाइनों में आपको इस हज हाउस के बारे में याद रखना है जो मैंने यहाँ पर बताया है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और ये हमारा आज का लास्ट का टॉपिक है। नवा रायपुर में देश का 6वां सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स जो है वो तैयार किया गया है। उद्घाटन इसका अप्रोक्सीमेटली अगर कहें तो नवंबर दिसंबर 2020 में किया जाएगा ऐसा माना जा रहा है। यह गोल्फ कोर्स करीब 138 एकड़ में फैला हुआ है। यह गोल्फ कोर्स जो है देश का 11वां गोल्फ कोर्स होगा लेकिन देश का 6वां सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये गोल्फ कोर्स देश का 11वां होगा लेकिन 6वां सबसे बड़ा होगा। निर्माण इसका किया जा रहा है क्विंस ग्रीन स्टेट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से और लागत लगभग इसका 110 करोड़ रुपए है। तो ये भी याद रखिएगा, वन डे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये था इस सप्ताह के छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर वीकली सेशन जो कि हमने एनालिसिस किया 29 जुलाई से लेकर आज तक यानी कि 7th ऑफ अगस्त तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सब का हमने यहाँ एनालिसिस किया है। वीडियो पसंद आने पे आप लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। तो आज के इस एनालिसिस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।